ओके चलो इस वीडियो की शुरुआत एक एक्सपेरिमेंट से करते हैं। इमेजिन करो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक नीडल और एक दूसरा एक बड़ा सा पत्थर। अब अगर मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को दुनिया के टॉलेस्ट बिल्डिंग बुर्ज खलीफा से नीचे फेंक दूं, तो आपको क्या लगता है कौन से ऑब्जेक्ट की वजह से तबाही ज्यादा होगी? वेल आई नो मोस्टली आप लोगों का आंसर होगा सेकेंड, क्योंकि उसका मास ज्यादा है, राइट? लेकिन चलो इस एक्सपेरिमेंट में लाते हैं एक छोटा सा ट्विस्ट। अगर इस नीडल को हम लाइट के स्पीड में फेंके तो क्या लगता है, क्या अभी भी आपका आंसर यहाँ पर सेम है? Well, अगर आपका जवाब है yes, then you are wrong. Well, इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। So, lightning, जो बिजली होती है ना, वो लाइट की स्पीड से 200 से 300 गुना कम स्पीड में ट्रैवल करती है, पर किसी भी चीज पे गिरने के बाद वो उस चीज को पलक झपकाते ही जला कर रख देती है। So, यहाँ पर तो नीडल लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, मतलब ये अर्थ तो छोड़ो बल्कि पूरे के पूरे सोलर सिस्टम तक को खत्म करने का पोटेंशियल रखता है। एंड वेल दैट्स रियली कूल, राइट? बट कैसे, क्या आपको पता है? आप किसी भी फ्रेंड के साथ ये फैक्ट शेयर कर सकते हो और वो बिलीव ही नहीं करेगा, और अगर वो बिलीव कर भी लेगा तो उसके पीछे का एक्सप्लेनेशन उसको मालूम नहीं होगा। बट कोई बात नहीं, आज मैं आपको इसके पीछे का एक्सप्लेनेशन बताने वाला हूं, सो जस्ट स्टे ट्यून्ड फॉर इट। सो फ्रेंड्स, जैसे कि हम सब जानते हैं, सिर्फ मैसलेस ऑब्जेक्ट ही लाइट के स्पीड से ट्रैवल कर सकते, बिकॉज लाइट के पार्टिकल्स फोटॉन्स का इन्फिनिट मोमेंटम होता है। यू नो आइंस्टाइन का फेमस इक्वेशन E=mc2। अगर ऑब्जेक्ट के पास थोड़ा सा भी मास होगा तो उस ऑब्जेक्ट को लाइट के स्पीड से ट्रैवल कराने के लिए इन्फिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, जो कि रियलिटी में जनरेट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बट यू नो मेरे पास एक ऐसी टेक्निक है जिसके मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को लाइट के स्पीड से ट्रैवल करा सकते हैं। यू डोंट बिलीव मी? वेल जरा इसे देखो। आप सभी ने ग्रेविटेशनल स्लिंग शॉट के बारे में तो सुना ही होगा। इस फिनोमिनन को मोस्ट ऑफ द टाइम सैटेलाइट लॉन्चिंग के लिए यूज किया जाता है। बेसिकली इसमें होता क्या है, सैटेलाइट्स किसी भी प्लैनेट की ग्रेविटी को यूज करके उससे एक मोमेंटम हासिल करके स्पेस में ट्रैवल करते हैं। सो बस हम भी एग्जैक्टली इसी टेक्निक को यूज करेंगे। बस सिर्फ फर्क इतना होगा कि प्लैनेट के जगह पर होगा ब्लैक होल, इसके पीछे का रीजन इमेंस ग्रेविटी, और वेल सैटेलाइट के जगह पर होगा नीडल। सो लेट्स परफॉर्म दिस वंडरफुल एक्सपेरिमेंट। आर यू रेडी? 3, 2, 1। सो फ्रेंड्स, जैसे ही नीडल अर्थ से टकराएगी, आई थिंक उसके टकराने से तीन पॉसिबिलिटीज क्रिएट हो सकती है। या तो नीडल पूरे पृथ्वी के साथ हमारे सोलर सिस्टम का खात्मा कर देगी, या फिर वो बिना कुछ किए अर्थ के आर पार हो जाएगी एंड यू नो हमें पता भी नहीं चलेगा, या फिर तीसरी पॉसिबिलिटी, किसी एक इंसान को चुटकियों में वो नष्टा नाबूद कर देगी और अपनी सारी एनर्जी वहीं पर रिलीज कर देगी। सो चलो इन सभी पॉसिबिलिटीज को एक एक करके स्टडी करते हैं और देखते हैं कि इसमें से कौन सी पॉसिबिलिटी रियलिटी साबित हो सकती है। So, सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद पॉसिबिलिटी नंबर 1। जैसे ये नीडल एटमॉस्फेयर को चीरते हुए सीधा अर्थ के सरफेस से टकराएगी, वैसे ही पृथ्वी पर बसा हुआ एक शहर इतनी एनर्जी से हमेशा हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएगा। जिस जगह पर नीडल टकराएगा वो मानो इंपैक्ट से ऐसा फील होगा जैसे कोई न्यूक्लियर बॉम्ब उस पर गिरा दिया हो, क्योंकि ये नीडल अपनी पूरी काइनेटिक एनर्जी कोलिजन के बाद अर्थ के सरफेस में रिलीज कर देगा ऑल ऑफ अ सडन। एंड नाउ जस्ट टू कैलकुलेट, वी नो दैट K=1/2 mv^2। दैट मींस किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी उस ऑब्जेक्ट के मास और वेलोसिटी स्क्वायर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि इसका मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड 2 से बढ़ गई तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 4 से बढ़ जाएगी। अब यहां पर इन वैल्यूज को पर्सपेक्टिव में डालते हैं। सो यहां पर स्पीड ही है 300,000 km/s। अब इसका स्क्वायर यानी ये फिगर, और एनर्जी यहां पर जो जनरेट हो रही है इन टर्म्स ऑफ जूल्स वो है ये, यानी कि हिरोशिमा पर गिरे हुए न्यूक्लियर बॉम्ब से 600 गुना ज्यादा एनर्जी। अब हिरोशिमा ब्लास्ट कितना डेडली था यू ऑल नो, सो सोचो हिरोशिमा ब्लास्ट से भी 600 गुना ज्यादा एनर्जी किसी भी सिटी को आराम से तबाह कर सकती है। ये जानने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसमें इन्वॉल्व है एक नीडल जो लाइट स्पीड से ट्रैवल कर रही है वर्सेस दिल्ली जिसमें रह रहे हैं तकरीबन 3 करोड़। चलो एग्जांपल के लिए इमेजिन करते हैं कि नीडल दिल्ली पर गिरा, सॉरी दिल्ली। अब इतने एनर्जी के साथ नीडल जैसे ही जमीन को टच करेगा वैसे ही पूरी दिल्ली जलने लगेगी, वहां की करोड़ों की पॉपुलेशन मिनटों में वेपराइज होने लगेगी, वहां के छोटे से बड़े सभी जीव जंतु विलुप्त हो जाएंगे और दिल्ली चुटकियों में ही बंजर जमीन में तब्दील हो जाएगा। अब दिल्ली की हालत तो आप समझ गए, लेकिन दिल्ली से 7 किलोमीटर दूर के रेडियस तक यानी कि नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद तक इस कोलिजन के शॉक वेव्स पहुंच जाएंगे। खिड़कियों के कांच चूर चूर होने लगेंगे, बिल्डिंगें गिरने लगेगी और इस शॉक वेव से निकल रहे रेडिएशन की वजह से लोग 3rd degree बर्न्स के शिकार होने लगेंगे। इसका नतीजा ये होगा कि यहां पर भी रहने वाले लोग 1 महीने के अंदर अंदर ही अपनी जानें गंवा बैठेंगे। बट
Here comes a catch. Well friends, ये जो भी hypothetical situation और prediction हम create कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक formula के basis पर है. लेकिन classical physics के according, ऐसा कोई भी destruction होना impossible है. You see, needle का approximate mass होता है 0.03 grams और speed है 30 crore meter per second. वहीं पर earth का mass है 5.9 into 10 raised to the power of 24 kilograms. अब यहाँ पर speed definitely बहुत ही ज़्यादा है. लेकिन स्पीड के कंपैरिजन में अर्थ का मास इतना ज्यादा है कि एनर्जी आराम से बिना कोई नुकसान किए पूरे अर्थ के सरफेस में इक्वली डिस्पर्स हो जाएगी. और इसीलिए कई सारे साइंटिस्टों के अनुसार इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी की वजह से नीडल सिंपली अर्थ के आर पार हो जाएगा और ये पूरा इवेंट हमारी पलक झपकाने के पहले ही खत्म हो जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा. अब आई नो ये सुनने के बाद आपको लग रहा होगा बला टेली, बट हियर कम्स अ ट्विस्ट. अब ये तो ऑब्वियस है कि नीडल शांति से तो पास होगा नहीं, पास होते होते वो अपनी एनर्जी अर्थ में रिलीज करते हुए जाएगा. सो सबसे पहले एनर्जी जैसे ही सर्फेस में एंटर होगी वो पूरे सर्फेस को हिला कर रख देगी. और वेल हमें ये तो पता है कि हमारा अर्थ एक सिंगल पीस से तो बना नहीं है, वो बना है 17 अलग अलग पीसेस से जिन्हें कहा जाता है टेक्टोनिक प्लेट्स, और दो टेक्टोनिक प्लेट्स के क्रैक्स को कहा जाता है फॉल्ट्स. नॉर्मली ये फॉल्ट्स लंबे समय के लिए मूव नहीं करते, लेकिन कभी कभार इन फॉल्ट्स में प्रेजेंट रॉक्स डिफॉर्म होने लगते हैं और अपने इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज करते हैं जिसके वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करने लगते हैं और साइस्मिक वेव्स जनरेट करते हैं व्हिच कॉजेस अर्थक्वेक्स. अब जैसे कि मैंने पहले बताया, नीडल अपनी एनर्जी ट्रांसफर करते हुए आगे और इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगा जिससे अर्थ में हाई अमाउंट ऑफ साइस्मिक वेव्स प्रोड्यूस होने लगेंगे और रिजल्टिंगली मैसिव अर्थक्वेक्स होने लगेंगे. उसके बाद जैसे जैसे नीडल आगे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे वो छोटी सी नीडल अर्थ के क्रस्ट से मेंटल और मेंटल से कोर में एनर्जी रिलीज करते जाएगी और फाइनली कोर में एक्सट्रीम प्रेशर जनरेट होने की वजह से पृथ्वी गुब्बारे की तरह ब्लास्ट हो जाएगी और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे. अब ये तो जाहिर है अर्थ इतने जोर से ब्लास्ट होगा कि उसके टुकड़े किसी एस्ट्रॉइड्स की तरह बाकी प्लैनेट्स पर गिर के उस प्लैनेट को खत्म कर देंगे और फिर वो प्लैनेट किसी और प्लैनेट को. ये साइकिल आगे कंटिन्यूअसली चलते ही रहेगा तब तक जब तक हमारे सारे इनर प्लैनेट्स खत्म नहीं हो जाते, यानी सिंपल लैंग्वेज में सोलर सिस्टम खत्म. लेकिन एक मिनट, व्हाट इफ जो हम सोच रहे हैं वैसा कुछ हो ही ना. आई मीन तुझे ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये नीडल जमीन या पानी में स्ट्राइक करने के बजाय किसी इंसान पर ही गिर जाए. वेल इन दैट केस लेट मी टेल यू, जिस किसी पर भी ये गिरेगा उसे ऐसा फील होगा कि कोई 16 माले की बिल्डिंग उसके सर पर गिर गई. यू विल सिंपली एक्सप्लोर, क्योंकि जैसी काइनेटिक एनर्जी बॉडी में ट्रांसफर होगी सबसे पहले वो सभी सेल्स के बॉन्ड्स को ब्रेक करेगी जिसके बाद आपको कोई भी ऑर्गन फील होना बंद हो जाएगा. रेडिएशंस और बॉडी पार्ट्स के साथ प्रोड्यूस हो रहे फ्रिक्शन की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होने लगेगा और आप पूरी तरीके से गल जाओगे, या फिर इवन बॉडी में कोई भी मूवमेंट ना होने की वजह से प्रेशर बढ़ने लगेगा और आप ब्लास्ट हो जाओगे. और ये सब होने में कितना समय लगेगा? मिली सेकेंड से भी कम का टाइम. इनफैक्ट हायर पॉसिबिलिटी है कि अगर वो नीडल किसी भी वाइटल पार्ट्स को बिना हार्म किए बाहर निकल गई तो इंसान के बॉडी में सिर्फ एक होल क्रिएट हो सकता है और उसकी जान बच सकती है, जस्ट लाइक सम लाइटनिंग केसेस. हाल ही में जैसे एक केस हुआ था जिसमें एक लड़की के बोरिंग से लाइटनिंग पास होने के बावजूद भी वो जिंदा बच गई थी. दरअसल हुआ ये था कि एमा एग्लर, एक कॉलेज स्टूडेंट, अपना लेक्चर अटेंड करने के लिए भारी बारिश में कॉलेज जा रही थी और बीच रास्ते में ही वो नीचे गिर गई. पहले तो उसे लगा कि नॉर्मली चक्कर आकर वो नीचे गिर गई हो, पर कॉन्शियसनेस गेन करने के बाद वो ना ही बोल पा रही थी और ना ही चल पा रही थी और ना इवन उठ पा रही थी. उसके कपड़े पूरी तरीके से गलकर उसके बॉडी से चिपक गए थे. उसके पास मौजूद सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस ब्लास्ट हो गए थे. उसके सॉक्स में होल पड़ गया था. उसके चेस्ट, रिस्ट और स्टमक की स्किन जल गई थी. और फिर जब इस केस को स्टडी किया गया तो ये बात सामने आई कि एक बिजली उसके लेफ्ट साइड ऑफ दी बॉडी में चेस्ट से होकर उसके पैर से पास होके निकली थी. बट लकीली लाइटनिंग का किसी भी वाइटल पार्ट से ना गुजरने की वजह से उसकी जान बच गई. और ऐसा ही सेम केस नीडल लाइट स्पीड से शरीर से गुजरने के बाद भी हो सकता है. अब स्टडी को ओवरऑल देखने के बाद इतना तो समझ आ रहा है कि डिस्ट्रक्शन हो भी सकता है और नहीं भी. We don't know. But, you know, इस सब के बारे में डिस्कस करके मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि क्या हम इसे, यानी कि ऐसी नीडल्स को या कोई पार्टिकल को पहले ही डिटेक्ट नहीं कर सकते क्या? क्योंकि आज तक हमने स्पेस में बैक्टीरिया की 250 स्पीशीज को डिस्कवर किया है जिनका साइज 0.2 नैनोमीटर इतना ही है. तो अगर वो लाइट के स्पीड से आके टकराए तो, और उनके पास तो मास भी है. Well, हम नहीं डिटेक्ट कर सकते. देखो इसे भी एक छोटे एक्सपेरिमेंट से समझते हैं. अभी आपके स्क्रीन पर एक छोटी सी लाइन पास हो रही होगी, उसकी लेंथ को याद करो. डन. अब एक और एक लाइन पास हुई होगी, दिखी?
नाइस। अब बताओ कौन सी लाइन बड़ी थी और कौन सी छोटी। अगर आपका जवाब है पहली लाइन बड़ी थी और दूसरी छोटी, तो आप साइंटिफिकली सही हो पर रियलिटी में गलत हो, क्योंकि मैंने दोनों लाइन सेम ही यूज की थी, बस उनकी स्पीड में फर्क था, और इसे कहा जाता है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। सो अगर एक नीडल जितना बड़ा ऑब्जेक्ट भी है तो लाइट की स्पीड के वजह से हमें वो दिखेगा ही नहीं, उतना छोटा हो जाएगा। अगर ऐसा है, यू मे एस्क, तो फिर हम लाइट को कैसे देख पाते हैं, क्योंकि फोटॉन्स भी तो सेम स्पीड में ही ट्रैवल करते हैं, राइट? अगर लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के अकॉर्डिंग हाई स्पीड में चीजें श्रिंक हो जाती है, तो फिर प्रोटॉन को भी श्रिंक हो जाना चाहिए, राइट? सो क्या इसका मतलब फोटॉन का कोई साइज ही नहीं होता? लिखिए अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में, ये सवाल आपके लिए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना, गेट्स इट फ्लाई साइंस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ, ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। एज ऑलवेज फ्रेंड्स, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।